All of you guys, hello everyone. So I guess I am live now. Please say something so that I can understand I am live or not. Are you able to see me? So welcome to my YouTube channel. Pranam, Shalu, hello, Kendan. So welcome to my YouTube channel. And in this particular series, we are studying about the TGT and PGT. So that this is booster series for TGT, PGT biology. Okay, I am your educator, Dr. Chiranjeev Kaur, and I have 3.5 years experience for postdoctoral fellowship. Then I have already done PhD, CSIR, JRF, SRF, GATE, biotechnology, JNU, CEB. So there is these are some things related to my profile. Thank you, Shalu. Thank you so much. So let us continue towards the this is our first lesson of first unit, diversity of living world, जो कि हमारा कहाँ के लिए important था. It was important for TGT, PGT exam, जो कि हमारे government exams हैं अभी के लिए, post आई हुई है. Good evening Rushi, right? CSIR, UGC, NET का unit number 9 के लिए भी important है, and ICAR, JRF, ARS के कुछ units के लिए, कुछ parts के लिए ये पार्ट्स इम्पॉर्टेंट होंगे. सो आई विल जस्ट स्किपिंग सम पार्ट्स जो हम लोगों ने कल पढ़े थे, जिनका लिंक ऑलरेडी आपको इसकी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा. ठीक है, सो वी हैव ऑलरेडी स्टडीड लिविंग क्या होते हैं, डाइवर्सिटी लिविंग की क्या होती है, इसमें नॉमेनक्लेचर हमने पढ़ा था, उनके रूल्स पढ़े थे. ओके, क्लासिफिकेशन, टेक्सोनोमी, सिस्टमैटिक्स किसको बोलते हैं, क्लासिफिकेशन, टू किंगडम सिस्टम, फाइव किंगडम सिस्टम हम लोगों ने पढ़ा था. टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज की बात करते हैं तो अलग अलग कैटेगरीज थी, लाइक स्पीशीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम, इन सब के बारे में पढ़ा था, ये क्या होते हैं. ठीक है, राइट, ये सारी चीज़ें हमने एग्जाम्पल्स के साथ समझा था, क्या होते हैं इनके एग्जाम्पल्स, फाइव किंगडम सिस्टम में क्या आता है, उसको किस तरीके से डिवाइड किया गया है, किसी ऑर्गेनिज्म को प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट में डिवाइड किया गया, यूकैरियोट को यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर में, फिर यूनिसेलुलर के बाद विद सेल वॉल, अब वो आगे इसमें आपके जो सेल वॉल कंटेनिंग थे फंजाई आ गए, फिर जिसमें सेल वॉल थी और वो फोटोसिंथेसिस कर सकते थे वो आपके प्लांट ही आ गए, विदाउट सेल वॉल एनिमेलिया आ गया. राइट, सो फाइव किंगडम्स की कैरेक्टरिस्टिक्स इन शॉर्ट हम लोगों ने पढ़े थे, आर्की किंगडम का पढ़ा था, उनके एग्जाम्पल्स देखे थे. राइट, सो दिस इज वॉट वी हैव ऑलरेडी स्टडीड. प्लांट किंगडम का क्लासिफिकेशन तक हम लोगों ने कम्प्लीट कर लिया था यहाँ तक. राइट, इनके सारे एग्जाम्पल्स देख के, कॉटिलिडेंस क्या होते हैं, मोनोकॉट, डाइकॉट क्या होते हैं. नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड टू द किंगडम एनिमेलिया. राइट, तो एनिमेलिया यानी कि एनिमल यानी कि मल्टी सेलुलरिटी. तो यहाँ क्या होता है बच्चों, बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है किसी भी एनिमल किंगडम के. ठीक है, एनिमल किंगडम के जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनकी बात करते हैं. नंबर वन, एनिमल्स जो हैं वो यूकैरियोटिक होते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं और इसमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है. ओके, सेल वॉल इज नॉट प्रेजेंट. दे आर हेटरोट्रोफ. राइट, हेटरोट्रोफ का मतलब फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते, दे आर हेटरोट्रोफ, देयरफॉर दे रिलाई ऑन अदर्स फॉर फूड. दे हैव अ ग्रोथ पैटर्न. ग्रोथ पैटर्न का मतलब एक स्पेसिफिक शेप होगा, साइज होगा और उसी के अकॉर्डिंग वो ग्रो करेंगे. राइट, गुड इवनिंग दिव्यांशु. Now most of the organisms have well-defined organ systems such as respiratory system, digestion system, reproductive system. So there are a lot of organ system होते हैं. organ system की बात समझने के लिए सबसे पहले क्या होता है, एक cell होती है. right, unicellular है, multicellular है, तो cells है individual, cellular system. सेल के बाद ये एक ही टाइप के सेल्स मिलके एक किसी टिश्यू को बनाते हैं, तो वो हो गया आपका टिश्यू. अब जो डिफरेंट टिश्यू, मोर देन वन, यार यू कैन से एटलीस्ट
आपके टिश्यूज रहेंगे, एटलीस्ट टू टिश्यूज, वो आपके मिलके क्या बना सकते हैं, कोई ऑर्गन बना सकते हैं, राइट। वो ऑर्गन होगा और एटलीस्ट टू टाइप्स के जो ऑर्गन्स कोऑर्डिनेशन में काम करेंगे तो वो ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे, राइट। ये ऑर्गन सिस्टम्स मिलके बेसिकली किसी ऑर्गेनिज्म को बनाते हैं, ठीक है। सो उसी की बात हो रही है कि बहुत सारे जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें वेल डिफाइंड ऑर्गन सिस्टम पाया जाता है, एंड मोस्ट ऑफ द एनिमल्स कैन मूव, राइट। वो स्टेशनरी नहीं होते हैं इन जनरल, सारे ज्यादातर आपके जो एनिमल्स होते हैं वो मूव कर सकते हैं, स्टेशनरी नहीं होते हैं, जैसे प्लांट जनरली स्टेशनरी पाए जाते हैं। एनिमल्स में नर्वस सिस्टम होता है विच इज व्हाई दे आर एबल टू रिस्पॉन्ड टू एन एक्सटर्नल स्टिमुलस, राइट। अब एंजाइम्स को आप किसके बेसिस पर क्लासीफाई करते हैं? सो एंजाइम्स आर क्लासीफाइड ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंसेस इन देयर बॉडी टाइप्स एंड डिजाइन, राइट। किसी एंजाइम, किसी एनिमल का बॉडी टाइप क्या है, उसका डिजाइन क्या है, उसके बेसिस पर हम क्लासीफाई करते हैं। बॉडी कैविटी या सिलोम किसी एनिमल में प्रेजेंट है, उसके अंदर ऑर्गन्स प्रेजेंट है, राइट। तो उनके प्रेजेंस पर, बॉडी कैविटी की जो प्रेजेंस होती है किसी एनिमल के अंदर, उनके बेसिस पर किसी एनिमल को तीन पार्ट्स में डिवाइड, तीन तरीके से डिवाइड किया जाता है। एक होता है आपका सीलोमेट, एक होता है सूडो सीलोमेट और एक होता है ए सीलोमेट। सीलोमेट मीन्स दे हैव अ ट्रू बॉडी कैविटी कॉल्ड सीलोम, जिसमें ट्रू बॉडी कैविटी होती है, सीलोम कहलाते हैं, सीलोमेट कहलाते हैं। सूडो सीलोमेट फॉल्स कैविटी है, यानी कि इसमें बॉडी कैविटी प्रेजेंट है लेकिन उनके अंदर ऑर्गन्स नहीं है, उनके अंदर फ्लूइड प्रेजेंट है, राइट। सो व्हेन फ्लूइड इज प्रेजेंट इन प्लेस ऑफ द सीलोम देन इट विल बी सूडो सीलोमेट, राइट। नाउ ए सीलोमेट मीन्स उसमें कोई बॉडी कैविटी प्रेजेंट नहीं होती है। इज इट क्लियर गाइस? यहां तक हमें सब समझ में आ रही है चीजें, तीन तरह के सिस्टम, सीलोमेट, सूडो सीलोमेट एंड सीलोमेट, सूडो सीलोमेट एंड ए सीलोमेट। तो सीलोमेट का मतलब एक ट्रैक्ट है, एक डाइजेस्टिव ट्रैक्ट प्रेजेंट है, राइट, जो कि एंडोडर्म की बनी हुई है और उसमें आपकी ये सीलोम है और उसके अंदर आपका एक सिस्टम पाया जा रहा है, सो दैट विल बी सीलोमेट। फॉर एग्जाम्पल एनेलिड, राइट। फॉर एग्जाम्पल एनेलिड, एनेलिडा जो फाइलम है उसके पास है। यस ऋषि, आई बाई मिस्टेक आई सेड एंजाइम इन प्लेस ऑफ एनिमल बिकॉज लास्ट क्लास वॉज फ्रॉम एंजाइम, नो, सो वही मेरे दिमाग में था आई थिंक। एनी वेज, सीलोमेट इज वॉट, जहाँ बॉडी कवरिंग है एक्टोडर्म की, राइट, और एक एंडोडर्म प्रेजेंट है, डाइजेस्टिव सिस्टम ट्रैक्ट बना हुआ है और एक टिश्यू लेयर लाइनिंग है जो कि सीलोम बना रही है और उसके अंदर इंटरनल ऑर्गन्स हैं वो सस्पेंडेड हैं, राइट। नाउ सीलोमेट के बाद आते हैं सूडो सीलोमेट। यहाँ सूडो सीलोम है यानी कि ये आपका एक फॉर्म है, राइट, एक सूडो सीलोम दिया हुआ है और उसके बीच में फ्लूइड प्रेजेंट है, फ्लूइड, राइट। तो डाइजेस्टिव सिस्टम अलग है, एक मसल सिस्टम, मसल लेयर प्रेजेंट है और वो एक सूडो सीलोम का एक फॉर्मेशन, मतलब एक अपियरेंस दे रहा है। देन आते हैं ए सीलोमेट, इसमें कोई भी सीलोम प्रेजेंट नहीं होती, बॉडी कवरिंग होती है और डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट, जहाँ डाइजेस्टिव ट्रैक प्रेजेंट होता है। सो बेसिकली यहाँ पर आपका कोई एक स्पेशल एक कैविटी नहीं पाई जाती है। अब ये जो है एनिमेलिया, एनिमेलिया में डिफरेंट फाइलम आते हैं, जैसे कि नंबर वन इज पोरीफेरा। पोरीफेरा फाइलम में क्या होता है, सबसे पहले लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की हम बात करते हैं तो इसमें सेल्स प्रेजेंट है, ठीक है। सिमेट्री इसकी एसिमेट्रिकल होते हैं। पोरीफेरा में स्पंजेस आते हैं, तो स्पंजेस का कोई पर्टिकुलर शेप तो होता नहीं, राइट, तो ये हो गए एसिमेट्रिकल। सेगमेंटेशन की हम बात करते हैं तो यहाँ कोई सेगमेंटेशन नहीं पाया जाता, बॉडी कैविटी नहीं पाई जाती, यानी कि ये हो गए आपके ए सीलोमेट, ओके, ए सीलोमेट हो गए। देन आते हैं हम प्रेजेंस ऑफ ऑर्गन्स, ऑर्गन्स यहाँ नहीं पाए जा रहे हैं, सेल्स पाए जा रहे हैं, राइट, सेल्स पाए जा रहे हैं, टिश्यू पाए जा रहे हैं, किनसे, एग्जाम्पल हो गया साइकन, स्पॉन्जिला, यू स्पॉन्जिया, और दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स, दे कैन नॉट मूव, तो ये एक जगह पर फिक्स्ड हैं, मूव नहीं कर सकते, दे आर अटैच टू अ सपोर्ट, दे हैव पोर्स इन देयर बॉडी एंड दीज पोर्स फॉर्म अ कैनाल सिस्टम, एक कैनाल सिस्टम बनाते हैं ये पोर्स,
और उसमें जाके सारी चीजें कलेक्ट होती हैं, सो थ्रू विच वाटर एंड फूड सर्कुलेट इन द बॉडी एंड वेस्ट इज रिमूव्ड। ओके, ये पोर्स हैं जो कैनाल सिस्टम बनाते हैं जिनसे वाटर और फूड सर्कुलेट करता है बॉडी के अंदर और जो वेस्ट है वो रिमूव हो जाता है। दे हैव अ स्केलेटन ऑल्सो, सो स्केलेटन इज मेड अप ऑफ स्पॉन्जिन प्रोटीन एंड कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट एंड स्पॉन्जिन प्रोटीन के आपका स्केलेटन प्रेजेंट होता है पॉरीफेरा फाइलम का, यानी एक हार्ड कवरिंग प्रेजेंट होती है उसके ऊपर। ठीक है, एग्जाम्पल हो गया आपका पॉरीफेरा साइकिन स्पॉन्जिला, पॉरीफेरा में स्पॉन्जिला एंड साइकिन। नाउ आते हैं हम लोग सीलेंट्रेट पे। सीलेंट्रेट क्या होते हैं, इसमें लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज टिश्यू। तो सेल्स में दो तरह की लेयर्स पाई जाती हैं, इसलिए इसको कहते हैं डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म, यानी कि दो लेयर्स पाए जाएंगे, एक अपर लेयर हो गया एक इनर लेयर हो गया, सो दो लेयर्स विल बी दैट। सो ये हो गया आपका टिश्यू, क्योंकि अलग अलग टाइप की सेल्स प्रेजेंट है, राइट, अलग अलग टाइप की सेल्स प्रेजेंट है, अलग अलग टाइप की सेल्स की वजह से ये हो गया आपका डिप्लोब्लास्टिक। सिमिट्री होती है रेडियल सिमिट्री। रेडियल सिमिट्री का क्या मतलब होता है, जस्ट लाइक आपकी हम इस तरीके से बात करते हैं, ठीक है, आप इसको ऐसे कट कर सकते हैं, नॉट लाइक दैट, यहाँ पर रेडियल का मतलब क्या होगा, आप किधर से भी कट करोगे इट विल बी लाइक ऐसा, राइट, किधर से भी कट करोगे तो वो इक्वल हाफ में डिवाइड कर देगा किधर से भी, सो दैट विल बी रेडियल सिमेट्री, राइट। सो सीलेंट्रेट में रेडियल सिमेट्री पाई जाएगी, सेगमेंटेशन नहीं पाया जाता, बॉडी केविटी यहाँ पर भी नहीं पाई जाती। सो पॉरीफेरा सीलेंट्रेटा बोथ आर एसीलोमेट्रिक एसीलोम, देन प्रेजेंस ऑफ ऑर्गन्स, यहाँ पर कोई ऑर्गन नहीं पाया जाता है। एग्जाम्पल आ जाते हैं ऑरेलिया यानी जेलीफिश, एडेम्सिया यानी कि सी एनिमोन। ओके, बहुत ज़्यादा कॉमन क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं यहाँ से, इनके अदर कैरेक्टरिस्टिक्स में आते हैं, सम ऑफ देम लिव इन कॉलोनीज, सो एक तरह से वो कॉलोनाइज कर सकते हैं। सो सम ऑफ देम लिव इन कॉलोनीज, दे आर फिजिकली अटैच टू ईच अदर सच एज कोरल्स, एंड कुछ जो होते हैं सॉलिटरीली लिव रहते हैं जिनका नाम है जैसे हाइड्रा, राइट, ये अलग होते हैं, क्लियर है। एग्जाम्पल में आ गया आपका हाइड्रा एंड जेली फिश। आगे आते हैं थर्ड किंगडम, थर्ड फाइलम पे, थर्ड फाइलम इज प्लेटीहेलमिंथीज। प्लेटीहेलमिंथीज में जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो आ गया आपका ऑर्गन्स। तो अभी तक हमने पढ़ा पॉरीफेरा, देन हमने पढ़ा सीलेंट्रेटा, अब पढ़ रहे हैं प्लेटीहेलमिंथीज। सो पॉरीफेरा में सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन था, सीलेंट्रेटा में आपका आ गया जो कि हमारा टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन था, प्लेटीहेलमिंथीज में आ गए हम ऑर्गन्स पे, राइट। ऑर्गन्स का मतलब यहाँ पर आपके डिफरेंट टाइप के टिश्यूज मिलके किसी को और किसी ऑर्गन को बना रहे हैं, राइट। सो द सेल्स हैव थ्री लेयर्स, सो दीज आर नोन एज ट्रिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक क्या था, डिप्लोब्लास्टिक था हमारा सीलेंट्रेटा। ओके, सो अभी यहाँ आ गए हमारे कोरल्स। क्या होते हैं कोरल्स, आर अ टाइप ऑफ यू नो सीलेंट्रेट। सीलेंट्रेट के एग्जाम्पल्स होते हैं जब हम सी के मतलब सी समुद्र में जाते हैं तो उसके थोड़े शैलो पार्ट्स में, राइट, शैलो पार्ट्स में आपको चट्टानों के ऊपर कुछ कोरल्स दिखते हैं, बहुत ब्यूटीफुली कलर्ड, रेड कलर, राइट, बहुत ब्यूटीफुली कलर्ड आपको कोरल्स देखने को मिले होंगे। आपने देखा होगा स्कूबा डाइविंग करते हैं लोग एंड अंदर जाके उसको देखना चाहते हैं, सो दीज आर कोरल्स, वो सीलेंट्रेट होते हैं। ओके, प्लेटीहेलमिंथीज की हम बात कर रहे थे, प्लेटीहेलमिंथीज में ऑर्गन्स पाए जाएंगे, तीन लेयर पाई जाती है, इसलिए ये होता है आपका ट्रिप्लोब्लास्टिक। सिमेट्री होती है यहाँ पर बाइलेटरल सिमेट्री। बाइलेटरल सिमेट्री का मतलब लेफ्ट हाफ ऑफ द बॉडी इज आइडेंटिकल टू द राइट हाफ, राइट। सो अब इस केस में क्या हुआ, जैसे फॉर एग्जाम्पल अस, मान लीजिए ये एक पर्सन है, तो इसका अगर हम कट करेंगे तो जो लेफ्ट और राइट पोर्शन है वो दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, एक जैसे होंगे। ऐसे अगर हम कट करते हैं तो क्या ये मैच करेगा, नहीं करेगा, ये पोर्शन एक दूसरे के जैसा नहीं है, राइट। सो दिस विल बी टर्म्ड एज बाइलेटरल सिमेट्री। सिमेट्री क्या हुई, बाइलेटरल प्लेटीहेलमिंथीज से शुरू हो गया। सेगमेंटेशन यहाँ पर भी नहीं पाया जाता, सो सेगमेंटेशन इज देयर विल बी नो सेगमेंटेशन हियर।
बॉडी कैविटी या सीलोम की बात करते हैं, नो सो कॉल्ड, नो मतलब नहीं प्रेजेंट होती, सो दीज आर कॉल्ड एज ए सीलोमेस. तो अभी तक हम प्लेटीहेलमिंथीस तक, परिफेरा, सीलेंट्रेट एंड प्लेटीहेलमिंथीस तीनों ही क्या है, ए सीलोमेट है. ओके, प्रेजेंस ऑफ ऑर्गन्स की बात करते हैं, यहाँ पर आपका ऑर्गन्स पाए जाते हैं. एग्जाम्पल हो गया टीनिया सोलियम, टीनिया सोलियम इज टेपवॉर्म, फेशियोला हिपैटिका इट इज लिवर फ्लूक. इनसे डिजीज भी आपने सुना होगा, टेपवॉर्म है और लिवर फ्लूक है, इनसे डिजीज भी होती है. सो दीज आर बेसिकली पैरासाइट्स, मोस्ट ऑफ देम आर लाइक पैरासाइट्स, सेप्रोफाइट्स होते हैं और पैरासाइट्स होते हैं ये सारे, मतलब किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, उससे लेते हैं. नाउ कैरेक्टरिस्टिक में क्या हुआ, दे हैव फ्लैट बॉडी, राइट, प्लेट, फ्लैट, एकदम फ्लैट बॉडी रहेंगे, इसलिए इसको फ्लैट वॉर्म्स बोला जाता है. ये फ्री लिविंग हो सकते हैं जैसे कि प्लेनेरिया, या फिर पैरासाइटिक हो सकते हैं जैसे कि आपके फेशियोला हो गया और टीनिया सोलियम हो गया. सो दीज आर प्लेनेरिया, लिवर फ्लूक एंड टेपवॉर्म. नाउ फाइलम निमेटोड, निमेटोड आ जाते हैं, हम फोर्थ फाइलम पर मूव कर चुके हैं. निमेटोड में जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है वो होता है यहाँ पर टिश्यू टाइप, राइट, और इसलिए इसको कहते हैं आप ट्रिप्लोब्लास्टिक. क्या बोल रहे हो, ट्रिप्लोब्लास्टिक. ट्रिप्लोब्लास्टिक हमारा सीलेंट्रेट भी था, ट्रिप्लोब्लास्टिक हमारा निमेटोड भी है. यहाँ पर भी सिमेट्री बाइलेटरल सिमेट्री है, लेफ्ट हाफ ऑफ द बॉडी इज आइडेंटिकल टू द राइट हाफ, राइट. सेगमेंटेशन नहीं पाया जाता. बॉडी कैविटी या सीलोम की बात करते हैं तो यहाँ से शुरू हुआ आपका फॉल्स बॉडी कैविटी, यानी निमेटोड में आपकी फॉल्स बॉडी कैविटी दैट इज सूडो सीलोमेट्स होते हैं. प्रेजेंस ऑफ ऑर्गन्स की बात करेंगे तो ऑर्गन सिस्टम होता है यहाँ पर. एग्जाम्पल समझते हैं तो पैरासिटिक वॉर्म्स होते हैं, वॉर्म्स इन द इंटेस्टाइन, फॉर एग्जाम्पल एस्केरिस, सुना है ना, एस्केरिस, ये होता है राउंड वॉर्म, राइट. ये राउंड वॉर्म आर द एग्जाम्पल्स ऑफ निमेटोड, निमेटोडा फाइलम के मेंबर है, दीज आर ऑल्सो नोन एज राउंड वॉर्म्स. सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म विजिबल होती है यहाँ पर, यानी कि मेल एंड फीमेल को देखकर आप पहचान सकते हैं कि वो दोनों अलग अलग हैं, राइट. सो दिस विल बी टर्म्ड एज सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म, यानी कि मेल एंड फीमेल को आप विजुअली देखकर बता सकते हैं कौन मेल है कौन फीमेल. लाइक फीमेल जो होता है वो थोड़ा बड़ा होता है, मेल होता है वो थोड़ी छोटा होता है, राइट. एग्जाम्पल हो गए रेबडाइटिस, ड्रेक्यूकुलस, एस्केरिस, एंट्रोबियम, ट्राइक्यूरिस एंड लोआ लोआ, ये सारे आपके निमेटोड के एग्जाम्पल्स हो गए. आगे आ जाते हैं हम नेक्स्ट फाइलम पे, दैट इज एनेलिड, राइट, फाइलम एनेलिड. क्या क्या पढ़ा, पॉलीफेरा, सीलेंट्रेटा, प्लेटीहेलमिंथीस, नेमेटोड, राइट, एंड देन हम आ गए हैं एनेलिडा. एनेलिडा फाइलम जो होता है इसमें लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज ऑर्गन सिस्टम अगेन, और यहाँ पर भी सेल्स तीन लेयर में पाए जाएंगे, यानी ट्रिप्लोब्लास्टिक है. यहाँ पर भी सिमेट्री बाइलेटरल सिमेट्री है, ठीक है. ट्रू सेगमेंटेशन प्रेजेंट होता है, यानी कि अब अलग अलग जगह पर अलग अलग चीजें मिलेंगी. सो ऑर्गन्स कैन बी आइडेंटिफाइड सेपरेटली, कि यहाँ पर आपका ये पार्ट है डाइजेस्टिव पार्ट है, यहाँ पर रिप्रोडक्टिव पार्ट है. सो ट्रू सेगमेंटेशन विल बी देयर इन एनेलिड. बॉडी कैविटी या सीलोम की बात करते हैं, यहाँ से शुरू हो गया आपका ट्रू बॉडी कैविटी. सो दीज आर नोन एज सीलोमेट्स, ओके, सीलोमेट्स. प्रेजेंस ऑफ ऑर्गन्स, यस, डेफिनेट ऑर्गन्स पाए जाते हैं. एग्जाम्पल इज लीच, अर्थवॉर्म, ओके. अदर कैरेक्टरिस्टिक्स समझते हैं तो ये कहाँ पाए जाएंगे, फ्रेश वाटर में, मेरीन वाटर में. इसके अलावा आपका अर्थ पे भी पाया जाएगा, अर्थवॉर्म है तो अर्थ पे यानी सॉइल पर भी पाया जाएगा. दे हैव क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, एनीवन नोस क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम का क्या मतलब होता है, किसी को पता है? जी पता है तो बताइए. क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम और ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या है, लाइक एक जगह पर
कोई चीज आ रही है और वो वहां से दूसरे मतलब क्लोज है वो पार्ट, देन इट विल बी टर्म्ड एज क्लोज. ओपन का मतलब क्या हो गया, जिधर से आया और दूसरी साइड से निकल गया, राइट right? एक साइड से आया दूसरी साइड से निकल गया. सो वेन्स एंड आर्टरीज, या सो इट विल बी क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम. यहाँ पर हम बात करते हैं एग्जाम्पल की, नेरीज, अर्थवॉर्म, लीच, एग्जाम्पल्स हो गए आपके. नेक्स्ट फाइलम इज ऑर्थ्रोपोडा. क्या हो गया हमारा, नंबर वन वॉज पॉलीफोरा, देन हमारा आया सीलेंट्रेटा, फिर हमारा आया प्लेटीएलमिंथीज, फिर हमारा आया नेमेटोड, फिर हमारा आया एनेलिड, एनेलिड के बाद आया ऑर्थ्रोपोडा. ऑर्थ्रोपोडा की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर आ जाते हैं हमारे इंसेक्ट्स वाला ग्रुप, राइट राइट. फाइलम ऑर्थ्रोपोडा में आपका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज ऑर्गन सिस्टम्स, ऑर्गन सिस्टम, ठीक है जी दिव्यांशु, करेक्ट. सी, अब हमारा जो सिमेट्री है, सिमेट्री होती है बाइलेटरल सिमेट्री अगेन, यानी लेफ्ट एंड राइट इक्वल हाफ. सेगमेंटेशन प्रेजेंट होता है, यानी ऑर्गन्स कैन बी आइडेंटिफाइड सेपरेटली, आपको किधर क्या चाहिए, यानी कि मैंडिबल्स, यानी अगर हम बात करें तो तीन पार्ट में आप इसको डिवाइड कर सकते हैं. एक एब्डोमिनल पार्ट होगा, एक हेड पार्ट होगा, एक टेल पार्ट होगा. ये हेड हो गया, ये एब्डोमिन पार्ट हो गया और ये टेल रीजन हो गया, राइट. सो आइडेंटिफाई करना है जो भी चीजों को, उनको उसके सेगमेंट के अकॉर्डिंग हम अलग अलग कर सकते हैं, ठीक है. बॉडी कैविटी या सीलोम की बात करते हैं तो ट्रू कैविटी पाई जाती है, यानी सीलोमेट होते हैं. प्रेजेंस ऑफ ऑर्गन्स, डेफिनेट ऑर्गन्स पाए जाएंगे. एग्जाम्पल्स आर प्राउन्स, बटरफ्लाइज, कॉकरोचेज, देर आर सो मेनी थिंग्स, राइट. इनमें ज्वाइंटेड लेग्स पाए जाते हैं, लेग्स में जॉइंट्स पाए जाते हैं. ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, यानी देर इज नो वेल डिफाइंड ब्लड वेसल्स. क्लोज्ड में क्या था, एक ब्लड वेसल्स सिस्टम था, जैसा आप लोगों ने बताया वेन्स होते हैं, आर्टरीज होते हैं, लेकिन ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में देर इज नो वेल डिफाइंड ब्लड वेसल्स. दे हैव काइटिनस एक्सोस्केलेटन, आपकी बॉडी के ऊपर एक और स्केलेटन, हमारे बॉडी के ऊपर एक स्किन का स्केलेटन प्रेजेंट होता है, राइट. नॉट स्किन का स्केलेटन, बट दैट इज नॉट काइटिनस. ये जनरली आपका फंगजाई में प्रेजेंट होता है, लेकिन ऑर्थ्रोपोडा के ऊपर भी एक्सोस्केलेटन काइटिनस पाया जाता है. एग्जांपल्स हो गए आपके स्कॉर्पियन, कॉकरोच, स्पाइडर, बटरफ्लाई, लॉट ऑफ थिंग्स. कैन यू प्लीज टेल मी सिल्वर फिश पाइसिस है या सिल्वर फिश ऑर्थ्रोपोड है, कैन यू प्लीज टेल मी. नाउ कमिंग टू द फाइलम मोलस्का, राइट. हमने क्या क्या पढ़ा, हमने क्या क्या पढ़ा, लाइन से फिर से एक बार पढ़ते हैं. पॉरीफेरा, सीलेंट्रेटा, प्लेटीएलमिंथीज, देन आया निमेटोड, फिर हमारा आया एनेलिड, एनेलिड के बाद हमारा आया ऑर्थ्रोपोडा, ऑर्थ्रोपोडा के बाद वी आर कमिंग टू वर्ड्स मोलस्का. मोलस्क फाइलम जो होता है, इसमें भी आपका ऑर्गन सिस्टम पाया जाता है और ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है. बाइलेटरल सिमेट्री होती है, सेगमेंटेशन पाया जाएगा लेकिन कम, सो लिटिल सेगमेंटेशन विल बी देयर. रिड्यूस्ड सीलोम पाई जाएगी, मगर होती है, सो सीलोम इज प्रेजेंट बट इट इज रिड्यूस्ड. प्रेजेंस ऑफ ऑर्गन्स की बात करते हैं, डेफिनेट ऑर्गन्स होंगे एंड एग्जाम्पल्स आर स्नेल, ठीक है, शंख, सीप, वो सब इसमें आते हैं. आगे आते हैं आपके कैरेक्टरिस्टिक्स. तो बॉडी इज डिवाइडेड इनटू हेड, विसरल मास एंड मस्कुलर फूट. एक फूट होगा, मस्कुलर फूट, एक विसरल मास प्रेजेंट होगा और हेड होगा. सम ऑफ द मॉलस्क हैव हार्ड एक्सटर्नल शेल जस्ट लाइक स्नेल्स एंड सम हैव इंटरनल रिड्यूस्ड शेल्स लाइक that in octopus. So octopus is also a mollusk, right? ये starfish mollusk में आते हैं, octopus mollusk में आते हैं. तो ये सब के अंदर जो shell present है वो कहाँ है, वो छोटा है और अंदर की तरफ है. So internal reduced shell पाए जाते हैं, right? अगर दूसरी की हम बात करते हैं, पाइला हो गया, करेक्ट, पाइला हो गया, snails हो गया, इसमें hard external shells पाए जाएंगे. ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाएगा, यानी कोई डेफिनेटिव आपका आर्टरीज, वेन्स नहीं पाए जा रहे हैं. देयर इज किडनी लाइक ऑर्गन फॉर एक्सक्रीशन, यानी एक्सक्रीशन के लिए आपके किडनी जैसे पार्ट पाए जाएंगे, मेल्फीजियन ट्यूब्यूल्स बोलते हैं, नहीं. देन आते हैं डेंटिलियम, काइटन, ऑक्टोपस, यूनियो, सीपिया, लेमनिया, लैंड स्नेल, पर्ल, ऑयस्टर, ये सारी चीज फ्लेम सेल्स, एक्चुअली नॉट दैट,
फ्लेम सेल्स भी इसमें आ जाते हैं। सो ये सारी चीजें आ गई जो कि आपके आगे हैं मोलस्क में। हम आ जाते हैं नेक्स्ट इज इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा में जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, इट इज अगेन ऑर्गेन सिस्टम। इसमें भी तीन लेयर होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक, बाइलेटरल सिमेट्री है। कहाँ से शुरू हुआ था बाइलेटरल सिमेट्री? कैन यू प्लीज टेल मी बाइलेटरल सिमेट्री कहाँ से शुरू हुआ था? अभी मैंने आपको स्टार्टिंग से पढ़ाया है, सो जस्ट टेल मी कहाँ से आपका बाइलेटरल सिमेट्री शुरू हुआ। ये बाइलेटरल सिमेट्री इकाइनोडर्मेटा एक एक्सेप्शन है कि इसके लार्वल स्टेज में बाइलेटरल पाया जाता है, और जब ये एडल्ट होता है तो उसमें रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। इसका एग्जाम्पल है स्टारफिश, मोलस्क में नहीं है, सॉरी। सो स्टारफिश इज द एग्जाम्पल इन इकाइनोडर्मेट। मोलस्क में ग्लोबुलर प्रोटीन होते हैं। ग्लोबुलर प्रोटीन तो सभी में होंगे ना ऋषि, किसमें नहीं होगा ग्लोबुलर प्रोटीन? अच्छा ग्लोबुलर, ओके, आप ग्लोबुलर, वो दिस इज ग्लोबुलर प्रोटीन, प्रोटीन की बात करते हैं ना, तो सभी में होगा। सेगमेंटेशन की हम बात करते हैं तो नहीं पाया जाता। बॉडी कैविटी, ट्रू बॉडी कैविटी है, दैट इज सीलोमेट है। प्रेजेंस ऑफ ऑर्गन, डेफिनेट ऑर्गन्स पाए जाते हैं, एग्जाम्पल इज स्टारफिश, सी कुकुम्बर। काइटिन है, केराटिन नहीं है ऋषि, केराटिन इज डिफरेंट, केराटिन इज डिफरेंट प्रोटीन, काइटिन इज डिफरेंट प्रोटीन, राइट? काइटिन इज नॉट प्रोटीन, काइटिन एक्चुअली पॉलीसेकेराइड है, और केराटिन एक प्रोटीन है, फाइब्रस प्रोटीन है, दैट टू थिंग्स आर डिफरेंट। हम काइटिनस की बात कर रहे थे इन केस ऑफ ऑर्थ्रोपोड, उसके ऊपर एक्सोस्केलेटन काइटिनस पाया जाता है, दैट इज नॉट केराटिन। हमारी बॉडी के ऊपर केराटिन पाया जा रहा है, राइट? अदर एग्जाम्पल्स, अदर कैरेक्टरिस्टिक्स में दे हैव स्पाइनी डर्मिस मेड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट की स्पाइनी डर्मिस पाई जाती है, और वाटर वेस्कुलर सिस्टम जो होता है वो आपका फीडिंग एंड लोकोमोशन में हेल्प करता है, ओके? ये स्निडेरिया और सिलिंड्रेट। सो एग्जाम्पल्स आ गए आपके एकाइनस, एंटीडॉन, होलोथिरॉन, ओफियोथ्रिक्स, एस्टेरिक्स, एस्टीरिया, राइट? नेक्स्ट नंबर फाइलम हमारा आ जाता है कॉर्डेट। तो अभी तक जो हमारे फाइलम 1 to 8 थे वो सब हमारे थे नॉन कॉर्डेट। अब हम समझ रहे हैं कॉर्डेट। कॉर्डेटा में क्या एग्जांपल्स, कॉर्डेटा के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, दे हैव अ नोटोकॉर्ड, राइट? नोटोकॉर्ड जिसको हिंदी में मेरुरज्जु बोला जाता है। सो इट इज, इट हैज, या हम लोगों के क्या है, नोटोकॉर्ड पाया जाता है जो कि रॉड शेप स्ट्रक्चर होता है दैट प्रोवाइड्स द स्केलेटल सपोर्ट टू द बॉडी, राइट? स्केलेटल सपोर्ट प्रोवाइड करवाता है हमारी बॉडी को। इट इज फाउंड इन द एम्ब्रियोनिक स्टेज ऑफ ऑल कॉर्डेट्स एंड इन एडल्ट स्टेजेस ऑफ सम कॉर्डेट्स, राइट? नोटोकॉर्ड एक रॉड शेप स्ट्रक्चर है जो स्केलेटल सपोर्ट देता है, पूंछ जैसा पार्ट है, और एम्ब्रियोनिक स्टेज में सभी कॉर्डेट्स में पाया जाता है, लेकिन एडल्ट स्टेज में कुछ ही कॉर्डेट्स में पाया जाता है। एक नर्व कॉर्ड होती है जो कि ब्रेन को कनेक्ट करती है, जिसे हम स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं, है ना, जिसको हम स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं, वो पाई जाती है। ज्यादातर जो आपके एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं उसमें फेरेंजियल स्लिट पाया जाता है, जिसकी वजह से वाटर का एग्जिट हो पाता है। सो फेरेंजियल स्लिट यहाँ पाया जाएगा, गिल्स पाए जाएंगे जिससे वाटर का एग्जिट होते हैं वाटर। पोस्ट एनल टेल होती है विच इज मेड अप ऑफ मसल्स एंड स्केलेटल एलिमेंट दैट हेल्प इन द बैलेंसिंग। एक पोस्ट एनल टेल भी पाई जाती है, एनल के बाद में एक टेल पाई जाएगी। अच्छा, आप मोलस के हार्ड कवरिंग की बात कर रहे थे, ओके ऋषि, एक्चुअली द थिंग इज मुझे थोड़े रिप्लाई लेट मिलते हैं। सो जब लेट रिप्लाई मिलते हैं, सो आई जस्ट यू नो गेट कन्फ्यूज कि जो क्वेश्चन के आंसर आप दे रहे हैं वो किस पार्ट के दे रहे हैं। सो थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है उधर, ठीक है ना? नाउ आपका ये सारी चीजें समझते हैं कहाँ पर क्या है। ये आपका ब्रेन है, ब्रेन को जिस पार्ट से कनेक्ट किया जाता है, एक नर्व कॉर्ड है। सो डॉर्सल होलो नर्व कॉर्ड पाई जा रही है, एक नोटोकॉर्ड पाई जा रही है जो कि इसके स्केलेटल को एक सपोर्ट प्रोवाइड करा रही है, एक पोस्ट एनल टेल पाई जा रही है। ये एनस है तो उसके पीछे तक आपकी टेल पाई जाएगी, ठीक है ना? नाउ फेरिंग्स विद गिल स्लिट्स पाए जाते हैं, जिसमें आपके, जिससे वाटर का एग्जिट होता है, और माउथ। सो ये हमारा हो गया जो कॉर्डेटा के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अब जो कॉर्डेट्स हैं इसमें भी इसके सब फाइलम हैं, ठीक है?
कॉर्डेट के सब फाइलम में पहला आता है प्रोटोकॉर्डेट। प्रोटोकॉर्डेट में जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, इट इज ऑर्गन सिस्टम। जब से हमारा ऑर्गन सिस्टम शुरू हुआ तब से हमारा ऑर्गन सिस्टम चलेगा। एन सेल्स, सो सेल्स जो होते हैं वो कितने हैं, थ्री लेयर्स में डिवाइडेड है, ट्रिप्लोब्लास्टिक हो गए, राइट। नाउ नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है कुछ स्टेजेस में, इन सम स्टेज ऑफ द लाइफ, यानी एम्ब्रियोनिक स्टेज में तो नोटोकॉर्ड आपको मिलेगा ही मिलेगा हर एक के। सिमेट्री आपको मिलेगी बाइलेटरल सिमेट्री, यानी लेफ्ट एंड राइट सिमिलर होगा। सेगमेंटेशन नहीं पाया जाता है, एनिलेट में सेगमेंटेशन था ना, ट्रू। इसके अलावा आर्थ्रोपोड में था सेगमेंटेशन, बाकी जगह पर या तो नहीं पाया जा रहा है या फिर सूडो कम पाया जा रहा है, राइट। तो वो चीजें आपको लर्न करनी है कि किस जगह पर क्या है। बॉडी कैविटी या सीलोम की हम बात करते हैं तो प्रेजेंट होती है, यानी कि ये एसीलोमेट हो गए। प्रेजेंस ऑफ ऑर्गन्स, डेफिनेट ऑर्गन्स होते हैं, एग्जाम्पल हो गया आपका एसीडिया, हर्डमानिया, हर्डमानिया, एसीडिया, ये आपके प्रोटोकॉर्डेट के एग्जाम्पल होते हैं, ठीक है। ये हर्डमानिया का आपका पार्ट हो गया। देन आते हैं हमारे वर्टिब्रेट, प्रोटोकॉर्डेट, राइट। प्रोटोकॉर्डेट के बाद आ गया आपका वर्टिब्रेट। अब वर्टिब्रेट्स में क्या होते हैं, सब फाइलम में ऑर्गन सिस्टम पाया जाता है, हाईली डेवलप्ड टिश्यूज होते हैं और थ्री लेयर्स में डिवाइडेड होती हैं सेल्स, जिसमें अपर एंड इनर लेयर होती है, थ्री लेयर, अपर लेयर, मिडिल लेयर, इनर लेयर होती है, जिसकी वजह से इसको ट्रिप्लोप्लास्टिक कहा जाता है। बाइलेटरल सिमेट्री होती है, सेगमेंटेशन पाया जाता है। प्रोटोकॉर्ड में नहीं पाया जा रहा था सेगमेंटेशन, राइट। ये देखिए प्रोटोकॉर्ड में कोई सेगमेंटेशन नहीं था, यू कैन नॉट डिफाइन कि कौन सा पार्ट किधर है, बट यहाँ पर आपका सेगमेंटेशन पाया जा रहा है। बॉडी कैविटी पाई जाती है, प्रेजेंट होती है और डिफाइंड होती है, वेल डिफाइंड होती है। ऑर्गन्स, डेफिनेट ऑर्गन्स पाए जाते हैं, एग्जाम्पल्स हो गए पाइसिस, रेप्टील, मीन्स पूरा PARBM। सो PARBM ये हमारी पांच क्लास होती है इस सब फाइलम में, वो पांचों, यानी कि पाइसिस, एम्फीबियन, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स। आपको इनके एग्जाम्पल्स धीरे धीरे आगे पढ़ते हैं, राइट, उनके एग्जाम्पल्स भी समझेंगे। अदर कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, सो दे हैव वर्टिब्रल कॉलम विच इज डेवलप्ड फ्रॉम द नोटोकॉर्ड, ठीक है। नोटोकॉर्ड से आपका वर्टिब्रल कॉलम है वो डेवलप हुआ है। इंटरनल स्केलेटल मसल्स पाए जाते हैं, जो कि बहुत सारे जॉइंट्स को, बहुत सारे पॉइंट्स को बॉडी के अंदर जोड़ते हैं। डॉर्सल होलो नर्व कॉर्ड पाई जाती है इन द अपर साइड ऑफ द बैक, या हमारी बैक है, बैक के ऊपर की तरफ होलो नर्व कॉर्ड पाई जाएगी, स्पाइनल कॉर्ड जिसको बोलते हैं, जो कि ब्रेन के साथ अटैच होती है, राइट, ब्रेन को जोड़ती है, करेक्ट, यस, एक्टो इंडो इन मेसोडर्म। सो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ वर्टिब्रेट। अब वर्टिब्रेट के अब दो चीजें, दो नाम बड़े आपने सुन रखे होंगे, एक होता है कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, एक होते हैं वार्म ब्लडेड एनिमल्स, राइट। कोल्ड ब्लडेड किसको कहते हैं, वार्म ब्लडेड किसको कहते हैं। कोल्ड ब्लडेड का मतलब है दे कैन नॉट मेंटेन अ कॉन्स्टेंट बॉडी टेम्परेचर। आर यू अ कोल्ड ब्लडेड और अ वार्म ब्लडेड एनिमल, जस्ट टेल मी। हम अपनी बॉडी का कॉन्स्टेंट, एक बॉडी का जो टेम्परेचर है उसको हम कॉन्स्टेंट रख सकते हैं या नहीं रख सकते। सो ऑल दोस जो अपनी बॉडी का टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रख सकते हैं, हम पढ़ते ना हर जगह क्या कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। जो 37 डिग्री सेंटीग्रेड हमारी बॉडी का टेम्परेचर रहता है, दैट मीन्स वी आर वार्म ब्लडेड एनिमल, राइट। लेकिन कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो बाहर के एनवायरनमेंट के साथ अपना टेम्परेचर भी चेंज कर लेते हैं, उन्हें हम कहते हैं कोल्ड ब्लडेड, राइट। दे ऑब्टेन द हीट फ्रॉम द एनवायरनमेंट सराउंडिंग देम, बाहर से हीट को लेते हैं। जब हम वार्म ब्लडेड की बात करते हैं तो दे ऑब्टेन हीट फ्रॉम द फूड दे ईट, हम जो खाना खा रहे हैं उससे हमको हीट मिल रही है, ओके। देयर बॉडी टेम्परेचर, कोल्ड ब्लडेड में देयर बॉडी टेम्परेचर कैन वेरी एज पर द सराउंडिंग टेम्परेचर, जैसे जैसे सराउंडिंग टेम्परेचर चेंज होगा उनके अकॉर्डिंग बॉडी टेम्परेचर चेंज होता है कोल्ड ब्लडेड का। वार्म ब्लडेड का जो टेम्परेचर होता है वो मेंटेन रहता है 35 से लेके 40 डिग्री सेंटीग्रेड इन रेस्पेक्टिव ऑफ द सराउंडिंग टेम्परेचर, यानी बाहर अगर माइनस में भी टेम्परेचर है ना तो भी हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। हम कोशिश करेंगे हम इसको 35 से 40 के बीच में रखें। दे रेगुलेट द हीट इन देयर बॉडीज बाई चेंजिंग कलर्स और बाई बींग इन द सनलाइट।
सो आपको तो ऐसा पता हो गया होगा कि कोई तो ऐसा है जो कि अपना कलर चेंज करता है। कौन करता है? कुछ लोग अपना रंग बदलते हैं, तो वो लोग नहीं कि कौन कर रहा है। सो दे रेगुलेट द हीट इन देयर बॉडीज बाय चेंजिंग द कलर्स और बाय बीइंग इन द सनलाइट। सनलाइट में जाके या कलर चेंज करके वो अपनी बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट करते हैं। दे रेगुलेट देयर बॉडी हीट बाय मेटाबॉलिक प्रोसेसेस एंड एडैप्टिव मैकेनिज्म सच एज हाइबरनेशन एंड स्वेटिंग। ठीक है, कुछ ऑर्गेनिजम्स कुछ की बात करते हैं वो हाइबरनेट कर जाते हैं। हाइबरनेट यानी कि है ना, वो हम रेडी, मैंने क्या बोला, मुझे आई डोंट नो मीन्स लाइक एनिमल्स, सो आई इट इज कॉल ए स्लिप ऑफ टंग, नो इट इज कॉल ए स्लिप ऑफ टंग, हो जाती है यार मिस्टेक कभी कभी। नाउ वॉर्म ब्लडेड एनिमल्स की हम बात करते हैं। वॉर्म ब्लडेड एनिमल्स में क्या होता है, मेटाबॉलिक प्रोसेस के थ्रू या एडाप्टिव मैकेनिज्म्स के थ्रू बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट होता है, राइट? यस, कैमेलियन या गिरगिट। एग्जाम्पल्स आर फिशेज, रेप्टाइल्स, इंसेक्ट्स, एम्फीबियन। सो फिशेज, रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियन तीनों ही क्या है, ये तीनों ही आपके कॉर्डेट है, राइट? तीनों कॉर्डेट है, वर्टिब्रेट है। कॉर्डेट के अंदर भी क्या है, वर्टिब्रेट है। ये तीन वर्टिब्रेट्स आपके यहाँ पर आ रहे हैं, PAR, पाइसिस, एम्फीबियन एंड रेप्टाइल। इंसेक्ट्स हमारे आर्थ्रोपोड में आते हैं, बट दीज आर ऑल्सो कोल्ड ब्लडेड। बर्ड्स एंड मैमल्स की जब हम बात करते हैं तो बर्ड्स एंड मैमल्स आपके आ जाते हैं जो वार्म ब्लडेड होते हैं, ओके? यस, होम्योस्टेसिस के लिए, टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए। सो दिस वॉज ऑल अबाउट एनिमेलिया किंगडम। वी हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट यू नो फाइव किंगडम टाइप्स, जिसमें हमने सारी चीज़ें पढ़ी हैं। सो आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं है। जो भी चीज़ें अगर लग रहा है थोड़ा डिटेल में पढ़ने का मूड है, तो वी विल कंटिन्यू आफ्टर यू नो द सेशंस, जैसा हम लोगों ने प्लान किया है, उसके बाद हम उसको ऐड कर सकते हैं। सो इट इज़ अप टू यू, जस्ट टेल मी कि आपको इसी का और थोड़ा डिटेल में चाहिए या फिर इतने से चल जाएगा। सो आई विल बी आस्किंग यू दिस क्वेश्चन, प्लीज़ आंसर मी नाउ, कि आपको ये थोड़ा डिटेल में चाहिए क्या क्लासिफिकेशन, राइट? कि अगर, क्योंकि मैंने फंजाई का क्लासिफिकेशन नहीं दिया है, सो आई कैन इंक्लूड दैट इफ यू वांट, बिकॉज आपके कोर्स में बहुत ज़्यादा है नहीं। सो वो पार्ट आप मुझे एक बार बता दीजिए, बाकी सब सही है। अगर सब कुछ समझ में आया है, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय, और मिलते हैं हम लोग कल शाम को 8 बजे यहीं पर। और बाकी आपको पता है, अगर आप अनअकैडमी पर हैं तो आप लोग मुझे सर्च कर सकते हैं CSIRnet कैटेगरी में, चरणजीत कौर, और मेरी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, राइट? और इफ़ यू हैव एनी डाउट देन ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल राइजिंग स्टार्स अकेडमी। और